हेलो व्हाट्सअप गाइस, दिस इज ओबेक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एवरीथिंग अबाउट माइनक्राफ्ट लॉजिक। एवरीथिंग अबाउट माइनक्राफ्ट लॉजिक का पार्ट 3 में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा होगा तो की कोचो जाके देख लो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो इस वीडियो में मैं कुछ लॉजिक के बारे में बात करने वाला हूँ जो बिल्कुल भी लॉजिक नहीं है। जैसा कि आप सभी लोग को पता है, माइनक्राफ्ट में सब कुछ स्क्वायर वाला होता है। मैं, मेरा कलाकार बादल, सूरज, सब कुछ स्क्वायर वाला होता है, लेकिन माइनक्राफ्ट में हमारा हार्ट तो स्क्वायर वाला नहीं होता। तो अगर स्क्वायर वाला करना है तो सब कुछ स्क्वायर वाला करो ना, ऐसा क्यों करते हो? आप देखो ये वाला लॉजिक। जैसा कि आप सभी लोग को पता है, आप पानी के साइड में ना शुगर केन नहीं लगा सकते हो। आप सिर्फ पानी के साइड में शुगर केन लगा सकते हो। आप लोग देख सकते हो मैं यहाँ पर शुगर केन लगा दिया हूँ, लेकिन जैसे मैं पानी को गायब कर दूंगा शुगर केन टूट जाएगा। मैं तो ये चीज देख के एक ही बात बोलना चाहता हूँ, मगर क्यों? आप देखो ये तोड़फाड़ करने वाला लॉजिक। जैसा कि आप सभी लोग को पता है, अगर आप हाथ से स्टोन को तोड़ो तो आपको कोबल्टस्टोन नहीं मिलता, लेकिन अगर हम वही कोबल्टस्टोन से बना हुआ फर्नेस को हाथ से तोड़े तो हमें वो फर्नेस मिल जाता है। इस चीज के लिए तो तालियां होनी चाहिए। आप देखो ये नेदर वाला लॉजिक। जैसा कि आप सभी लोग को पता है, हम नेदर में वाटर प्लेस नहीं कर सकते। रीजन, नेदर बहुत ज्यादा गर्म होता है, लेकिन हम वही वाटर को एक कोल्ड्रन प्लेस करके उसके अंदर रख सकते हैं। क्यों? कोल्ड्रन बहुत ज्यादा ठंडा होता है क्या? आप लोग फिर से देखो वाटर और कोल्ड्रन वाला लॉजिक। तो अगर हम ऐसे एक चैम्बर बना के उसके अंदर पानी रख के चैम्बर को तोड़े तो पानी बाहर निकल जाता है। ये चीज तो सिंपल है, लेकिन अगर हम वही पानी को कोल्ड्रन में रखे और फिर कोल्ड्रन को तोड़ दे तो पानी गायब हो जाता है। ये लॉजिक देख के मेरे को सच में नाचने का मन कर रहा है। ये देखो, बस बहुत हो गया। अब देखो ये हाइट वाला लॉजिक। तो अगर हम हाइट से उल के ऊपर जंप करें तो हमें बहुत ज्यादा डैमेज मिलता है। उल के ऊपर जंप करने पर हम मार भी सकता है, लेकिन अगर हम वही सेम हाइट से एक हेबल के ऊपर जंप करें तो हमें थोड़ा सा डैमेज मिलता है। क्या नो एरकम कहना है? उल तो हेबल से बहुत ज्यादा नरम है और उल को तोड़ने में हेबल से बहुत ज्यादा कम टाइम लगता है, तो एरकम कहना है? तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, और मैं आप लोगों को एक ही चीज बोलना चाहता हूँ, मेरे वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे आगे बढ़ा दीजिए। मैं लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ, प्लीज मुझे आगे बढ़ा दीजिए। चल ठीक है, तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और कमेंट करके मुझे और लॉजिक के बारे में बताना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। और मुझे चाहो तो इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। और सबसे बड़ी बात, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वाई वाई।